हाँ भाई करें शुरू। तो हमारे पास आज मोटो का काफी इंटरेस्टिंग फोन आया है। ये है मोटो G52 एंड इसके बॉक्स के अंदर भी सेम सामग्री मिलती है जो कि मोटो अपने दूसरे फोन के साथ देता है। फोन भाई कपड़े पहन कर आया, मतलब इसके साथ आपको केस मिलता है। नीचे की तरफ 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है एंड USB 2 Type-C केबल दी गई है। बाय द वे मेरे को ये मस्त चीज लगी कि इसके बॉक्स में से चार्जर नहीं गया, जैसे कि एक कंपनी ने गायब कर दिया इस प्राइस रेंज के अंदर से। बाय द वे मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज पर एक रूल बनाना चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में मुझे जरूर बताना। बाकी चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना, 10,000 लाइक्स एंड 2,000 कमेंट का एम करते हैं तो कर दो भाई। अब मोटो का ये वाला फोन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों के साथ आता है। इसके अंदर आपको डेडिकेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी मिलती है थिंक शील्ड की, साथ ही ये IP52 रेटिंग के साथ आता है। पानी वानी गया ना इसे मस्त हैंडल कर लेगा। और इसके अंदर NFC दी गई है इस प्राइस रेंज के अंदर, तो मोटोरोला ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। और इसके अगर मैं लुक की बात करूं तो जैसे हमने ऑन पेपर रेंडर्स में देखा था ना, उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है एंड मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग वाला फोन है। और इसकी बैक में प्लास्टिक का यूज करा गया, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है और ये अंदर की तरफ भी नहीं जा रही है। और मोटो के फोन मोटो के नाम की तरह हल्के से मोटे होते थे, बट ये फोन बिल्कुल एक अलग डिजाइन लैंग्वेज के साथ आता है। और इसकी जो इन हैंड फील है ना, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब रियलमी के फोनों को मैं अप्रिशिएट करता था इस चीज के लिए कि उनका फॉर्म फैक्टर काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो मोटो ने पूरा गेम चेंज करके एक ट्रेंड सेट कर दिया। और इसके वेट की भी बात करूं तो इसका वेट हमने इससे मेजर किया है, इसका वेट है सिर्फ 168 ग्राम। और भाई ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, तो आप इसे मस्त उठाकर कैरी कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। हाँ थोड़े बहुत स्मजेस लगते हैं और ये चीज खैर कवर लगाओगे तो नहीं देखने के लिए मिलेगी। मोटोरोला ने इस फोन के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। लाइक मोटोरोला से हम इस प्राइस रेंज के अंदर OLED पैनल तो मांगते हैं, मोटोरोला दे भी रहा है, बट इसके अंदर जो मोटोरोला ने OLED पैनल दिया है ये फ्लैगशिप वाला है जो मोटो अपने फ्लैगशिप फोनों के अंदर यूज करता है, एस सीरीज, एक्स सीरीज, इवन फोल्ड के अंदर भी इन्होंने यूज करा है। ये है पी AMOLED पैनल 90 हर्ट्ज के साथ, फुल HD डिस्प्ले और HDR10 सर्टिफिकेशन के साथ। और आप OTT प्लेटफॉर्म पर फुल HD के अंदर कॉन्टेंट भी स्ट्रीम कर सकते हो और उसका मजा उठा सकते हो। खैर ये जो पी AMOLED डिस्प्ले होती है ये पतली होती है और साथ ही इसका वेट भी काफी कम होता है। और इसके अंदर ग्लास लेयर्स की जगह ना प्लास्टिक लेयर का यूज किया जाता है। और पी AMOLED की एक और खासियत है वो ये है कि इसके अंदर आप कम से कम बेजल और चिन रख सकते हो, और वही यहां देखने के लिए मिला। लाइक इसकी अगर मैं चिन की बात करूं तो मैंने अभी तक जितने भी फोन यूज करे अंडर 20,000 रुपीज, ये भाई सबसे कम चिन के साथ आता है। और इसकी डिस्प्ले काफी ज्यादा कमाल की, ऑल ओवर जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना इसके डिस्प्ले का, मैं कह सकता हूं इस प्राइस रेंज के अंदर काफी कम देखने के लिए मिलता है। मोटोरोला ने काफी अच्छा काम किया है डिस्प्ले के अंदर और कोई भी कमी नहीं है इसकी डिस्प्ले में। बाकी इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं मिलता, लेकिन साइड माउंटेड जो दिया ना इसकी स्पीड आप देख सकते हैं काफी अच्छी है। और इसकी आउटडोर पीक ब्राइटनेस भी मस्त मिल जाती है, अच्छी खासी विजिबल है आउटडोर के अंदर। तो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस तो इस डिस्प्ले का बहुत अच्छा है। इवन इसके अंदर 3.5mm जैक भी दिया इतना पतला होने के बाद, एंड इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। बाकी ये फोन आता है स्टीरियो स्पीकर्स के साथ एंड इस प्राइस रेंज के अंदर अंडर 20,000 की भी बात करूं तो भाई ये सबसे ज्यादा लाउड एंड क्लीन स्पीकर्स के साथ आता है। मतलब इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, साथ ही ये डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। और आप देखोगे जब हम ज्यादा लंबे टाइम तक फुल वॉल्यूम पर साउंड सुन रहे हैं तो डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाता है भाई स्पीकर्स में आना, मतलब भरने चालू कर जाते हैं। तो इसके अंदर क्वालकॉम साउंड एंड क्वालकॉम एम्पलीफायर मिल जाता है जो कि वो चीज नहीं होने देंगे और आपको क्लीन एक्सपीरियंस ही मिलेगा लंबे टाइम तक अगर आप फुल वॉल्यूम पर भी सुनते हो। अब इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी की थोड़ी बात कर ली जाए तो इसके अंदर 4G कैरियर एग्रीगेशन आपको मिल जाता है और इंडोर आउटडोर 4G प्लस मस्त मिलता है। बाकी इसके अंदर अगर आप कॉल पर बात करते हो तो इसकी कॉलिंग क्वालिटी भी काफी अच्छी है, बिकॉज इसके अंदर 2 सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक दिए गए हैं और इसके अंदर 2x2 मीमो भी दिया हुआ है, तो यहां पर नेटवर्क से तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी अब बात करें इसके कैमरास की तो इसमें फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया है। हमने काफी फोटो कैप्चर करी है इससे, आउटडोर के अंदर लाइट कंट्रोल काफी अच्छे से कर लेता है, इवन स्किन टोन भी बहुत अच्छा है। बट अगर मोटोरोला के मैं एक साल पुराने फोन की बात करूं या इसकी बात करूं तो यहां पर एक्चुअल में इन्होंने कैमरा में मेजर इंप्रूवमेंट की हुई है और ये अभी और भी कैमरास को इंप्रूव कर रहे हैं, साथ ही अपने कैमरा UI पर भी काम कर रहे हैं जो कि हमें अपडेट से जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। बट ऑल ओवर जो इसका फ्रंट कैमरा है ना आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा एंड ये एक्चुअल में काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। और मोटोरोला ने G71 से इसे इंप्रूव करने स्टार्ट कर दिया था एंड यहां पर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट बढ़ गई है। बाकी इसके बैक की बात करें तो इसमें 50 MP का मेन कैमरा सेंसर दिया है, यहां पर डेप्थ ऑफ फील्ड ठीक देखने के लिए मिलती है, लाइट कंट्रोल अच्छा है। अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करी जाए तो वहां पर एज डिटेक्शन भी ये काफी अच्छे से कर लेता है एंड हमने नाइट मोड में भी इसे टेस्ट कराया तो बैक कैमरा काफी इंप्रेसिव मुझे लगा है। साथ ही 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर दिया गया है इसके अंदर, कर लो दुनिया मुट्ठी में। यहां पर मेरे को ना डे लाइट के अंदर थोड़ी सी डायनेमिक रेंज कमजोर लगी, बट प्राइस के हिसाब से ठीक है। बाकी हमने नाइट में भी फोटो कैप्चर करी अल्ट्रा वाइड से, काफी शार्प इमेज ये कैप्चर करता है। 2 MP का मैक्रो कैमरा सेंसर दिया गया है, तो यहां पर कैमरा एक्चुअली मोटोरोला ने काफी इंप्रूव कर दिए हैं। अब थोड़ी इसकी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर दिया है एंड यूएमसीपी स्टोरेज टाइप दिया है जो कि यूएफएस 2.1 एंड 2.2 के बराबर ही है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग स्पीड भी मस्त देखने के लिए मिलती है एंड ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी काफी फास्ट है और आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी मोटोरोला अपने सॉफ्टवेयर के लिए काफी ज्यादा फेमस है एंड इसके अंदर भी माई यूएक्स सॉफ्टवेयर दिया है जो कि पिक्सल लाइक एक्सपीरियंस ऑफर करता है और ये एंड्रॉइड 12 बेस है। एंड इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ दिखने में पिक्सल लाइक एक्सपीरियंस नहीं देता, यहां पर अगर आप इसे यूज करोगे लाइक नोटिफिकेशन पैनल देखोगे, वॉच देखोगे और अगर आप वॉलपेपर चेंज करते हो तो पिक्सल की तरह थीम का कलर भी चेंज हो जाएगा, तो यहां पर एक्चुअल में पिक्सल की तरह फील भी होता है। बाकी स्मूथनेस इसकी काफी मस्त है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है एंड जब आप किसी ऐप पर टैप करते हो तो वो काफी तेजी से रेस्पॉन्स करती है। इसके पीछे रीजन है कि इसके अंदर 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया हुआ है तो ये भाई फोन का एक्सपीरियंस किसी नॉर्मल यूजर के लिए काफी अच्छा कर देते हैं। और एक चीज हो रहा है, इस प्राइस रेंज के फोनों के अंदर ना बहुत पुश नोटिफिकेशन मिलती है, बहुत प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है, बट मोटोरोला इस चीज के लिए फेमस है कि ये प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देता ही नहीं है। तो इस बार मैंने देखा है कि इसके अंदर फेसबुक मिल जाती है, तो अगर आप इसे यूज नहीं करते तो ये आपके लिए ब्लॉटवेयर है, लेकिन अगर आप इसे यूज करते हो तो भाई ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। और मैंने देखा है कि हर कोई फेसबुक तो यूज करता ही है, बाकी आप मुझे बताना आप करते हो नहीं करते। खैर यहाँ पर इसके अंदर अगर आपको और भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इसके अंदर रैम बूस्ट को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 4GB वाला वेरियंट है तो आप 1GB तक और एक्सपेंड कर सकते हैं रैम को, बाकी अगर आपके पास 6GB वाला वेरियंट है तो 1.5GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। खैर अगर एक्सपेंड भी नहीं करोगे जब भी ये मस्ती चल रहा है तो नॉर्मल यूजेज को तो काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है, इवन मल्टीटास्किंग भी ये काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड अगर आप इसके अंदर गेमिंग करना चाहते हो तो देखो कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, स्मूथ के साथ 30fps का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा सेटिंग्स नहीं मिलती। और मेरे हिसाब से ये जो प्रोसेसर 45-60fps को आराम से हैंडल कर सकता है तो मे बी इसकी अपडेट मिल जाए। बाकी इसके हैप्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर स्प्रिंगी हैप्टिक्स मिल जाते हैं एंड प्राइस के हिसाब से काफी सही है और इसके अंदर 5000mAh का बैटरी है और फोन इतना ज्यादा स्लिम और लाइट वेटेड है मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, मोटो का फोन है ये। और इसके साथ आपको 33W की चार्जिंग मिल जाती है, तो अभी आपके भाई ने चार्ज नहीं करा तो मैं इसका कंपैरिजन या रिव्यू लाने की कोशिश करूंगा, उसके अंदर बता दूंगा मैं कितनी देर में चार्ज होता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर एंड मोटोरोला ने बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर दी एंड आई थिंक ये फ्यूचर में भी और ज्यादा इंप्रूव होती रहेंगी। बाकी आप मुझे बताना आपको ये फोन कैसा लगा पी एमोलेड और पतला होने के बाद। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जॉन मैक्स वगैरह टू वॉच योर हार्ट स्टेट इन विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।